ये जो ट्रेनिंग मैं जब यहाँ पे आया था 5 5 साढ़े 5 बजे आपकी ये ट्रेनिंग चालू हुई थी और मुझे यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल भेज दिया। और ये जो ट्रेनिंग जब चालू हुई तो मैं कोई पुख्ता गाइडलाइन नहीं थी कि कैसे चलाया जाएगा, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कहाँ एग्जाम होगी, कौन कंडक्ट करेगा, किस तरह इसको रेगुलेशन होगा, किस तरह खर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मेरे लिए जिंदगी का पहला अनुभव था कि मैंने इससे पहले कभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं किया। यहाँ पे आया लेकिन ये मेरी सारी फैकल्टी है, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और इस इनके साथ देने की वजह से मैं यूनिवर्सिटी में इस CHO प्रोग्राम को रन कर पाया। बहुत टफ मतलब यहाँ से किस तरह कोऑपरेशन मिली यूनिवर्सिटी से, और हमारे पास जो एक बेसिक स्टाफ होना चाहिए जो ये काम करता है, जिस तरह एक LDC का होना, एक अकाउंटेंट का होना, ये निहायत जरूरी किसी भी संस्था के लिए, लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं। लेकिन फिर भी जो है हमारे विनय जी हैं और एक अपने और लगाया है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और इस प्रोग्राम को यहाँ तक लेके आया। और सभी जो टीचर्स हैं इनको जो जो जहाँ जहाँ पे CHO के लिए लगाया गया है सभी ने फुल पार्टिसिपेट किया और आप लोग को ट्रेन करने के लिए अपना 100% दिया। और इस मौके पे मैं दो नाम लेना बहुत अच्छे समझता हूँ, अदरवाइज मेरे लिए बहुत है। मैं जब यहाँ पे आया तो उमराव जी और कृष्णावतार जी इन दोनों पास एक्सपीरियंस दर्शन का इन्होंने किया था, तो मुझे पता नहीं लगा कि ये प्रोग्राम मेरे कॉलेज में कैसे, मैं आपके क्लास में आया हूँ, लेकिन इन्होंने इसको बड़ा स्मूथली चलाया और मेरी बहुत सी हेडक को इन्होंने खत्म कर दिया। और जो फीडबैक मेरे पास है राजस्थान से वो ये है कि RVHS का जो प्रोग्राम चला वो बहुत ही शानदार चला और जो है शब्द है ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो ये अपने आप में आपको दोस्त है।